परम अवतार श्री कृष्ण। बलराम का अंत करने के लिए कंस मुग्दल का चयन करता है। कल प्रातः तक प्रतीक्षा कर चक्रधारी, उसके बाद इसी मुद्गल से तेरे मुद्गलधारी का अंत करके इस ब्रह्मांड से तेरी सत्ता सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। हमारा कान्हा इस समस्या का समाधान भी अवश्य निकालेगा। ईश्वर करे कि तुम्हारी बात सत्य हो जाए। कान्हा चंदा मामा से प्रातः न होने की गुहार लगाते हैं। हे नारायण, मैं चंद्रदेव ये प्रण करता हूँ कि जब तक आपकी दृष्टि मुझ पर होगी मैं अस्त नहीं होऊंगा। रात्रि के पहर बीत जाने के पश्चात भी भोर न होने पर कंस क्रोधित हो चंद्रदेव को खंडित करने का निश्चय करता है। उन्हें अपने विनाश को आमंत्रित किया है चंद्र, अब तेरा अंत करके मैं तुझे भी प्रेत बनाऊंगा चंद्र। दाऊ के जीवन की रक्षा हेतु कान्हा अपने दिव्य स्वरूप से सूर्यदेव का मार्ग रोक सृष्टि का कार्यचक्र रोक देते हैं। कंस, मैं तुझे केवल ये बताने आया हूँ, इस बालक की कुंडली में तेरी मृत्यु का योग है। किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना मार्ग चुनना जानता हूँ। बलराम के जीवन रक्षा हेतु कान्हा की प्रार्थना पर भगवान विष्णु स्वयं आ समय चक्र को रोक देते। बलराम वसुदेव तथा देवकी को माता पिता के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रभु, आपकी अनुकंपा से शेष अवतार के ऊपर आई हुई विपत्ति तो टल गई, किंतु कंस अपने अधर्म से अंगुल भर भी नहीं टला। प्रभु, जिस दिन तेरे विरुद्ध मुझे प्रमाण मिल गया नंद, उस दिन तेरे साथ साथ पूरे गोकुल का सर्वनाश कर दूंगा मैं। मामा, मैया कहती है तत्ती का कोई भी अहित नहीं कर सकता। महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, गोकुल में सब चिंतित हो रहे होंगे। हाथ तो आया पर मुंह कोना लगा। जिस दिन तेरे विरुद्ध मुझे प्रमाण मिल गया नंद, उस दिन तेरे साथ साथ तेरे गोकुल का सर्वनाश कर दूंगा मैं। मामा, 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 कान्हा, ताता थैया कृष्ण कन्हैया, इधर उधर नहीं, इधर उधर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तू अब तक यही है? आपसे विदा लिए बिना मैं कैसे जा सकता था? अपने जीवन से मोह नहीं है? है ना, अपने साथ पूरे गोकुलवासियों के जीवन का भी मोह है, इसलिए तो मैं आया हूँ आपसे बात करने। अब कौन सी बात अधूरी रह गई? भी होगी और मैंने अपने दाऊ को भी बचा लिया। क्रोध मत कीजिए, पूछिए क्यों, क्यों आप कुछ नहीं कर पाए? मैया कहती है तत्ते का कोई भी अहित नहीं कर सकता। इतना छोटा होकर ये बात मैं समझ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं समझ सकते? आप तो इतने ही बड़े हैं, है ना कंस मामा? यदि आपको किसी बात का डर लगे तो नारायण मंत्र पढ़ना, मैं भी यही करता हूँ। कंस मामा, अपना ध्यान रखिएगा, अब मैं चलता हूँ। क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे, ऐसा श्राप ना दे, मुझे मेरे प्रभु के चरणों से दूर ना करे।
क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे। मेरा श्राप कभी निष्फल नहीं होता। तू सदा सदा के लिए इस मटके में बंधक बन के रहेगा। अपनी निस्वार्थ भक्ति का इतना कठोर दंड, प्रभु केवट की मुक्ति अब किस प्रकार होगी? केवट के बार बार क्षमा मांगने पर भी ऋषि दुर्वासा ने उसे क्षमा नहीं किया और केवट को उसकी मुक्ति का मार्ग भी नहीं बताया। ऋषि दुर्वासा का इतना अहंकार उचित नहीं था, किंतु अब केवट की मुक्ति किस प्रकार होगी प्रभु? देवी, श्राप के दुख से व्यथित होकर केवट उसी मटके में बंद कर मेरे धाम में आया। हे प्रभु, कैसे मुझे इस अभिशाप से मुक्ति प्राप्त होगी? कब इस मटके के बंधन की यातना का अंत होगा? कैसे मैं इस मटके से मुक्त हो पाऊंगा? उत्तर दीजिए प्रभु, उत्तर दीजिए। केवट, तुम अपने प्रभु की अति भक्ति में ये भूल गए कि एक जीव का दूसरे जीव के प्रति क्या कर्तव्य होता है। संसार में सबसे बड़ी भक्ति जीव सेवा है। तो वह चाहे किसी भूखे को भोजन खिलाना हो या किसी प्यासे को पानी पिलाना ही क्यों ना। केवल मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करूंगा, तभी मेरे बाल रूप द्वारा तुम्हें मुक्ति मिलेगी। देवी, कान्हा ने आज जब अपने सखाओं के साथ यमुना से इस मटके को निकाला तो केवट को मेरे स्पर्श का आभास हो गया और साथ ही ये विश्वास भी कि अब उसकी मुक्ति निकट है, इसीलिए वह गोकुल की गलियों में भटक रहा है। आज तो यशोदा काकी ने इतना अधिक भोजन खिला दिया, अब तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। हमें स्वाद के लालच में नहीं पड़ना चाहिए था। राधा बरसाने से आई अपनी सखियों की भेंट कान्हा से कराती हैं। भद्राक्ष गोकुलवासियों को मथुरा में महाराज वसुदेव तथा अक्रूर जी के मध्य गदा युद्ध देखने आने का निमंत्रण देता है। आज कोई साधारण मल्ल युद्ध ना है, ये मल्ल युद्ध तब तक चलेगा जब तक उन दोनों में से कोई एक तय न भूल जाए। कान्हा के सखा उन्हें बताते हैं, वो मटका था। मटका? हमें तो लगता है कि वो कोई असुर है। मटके में असुर? महादेव की क्षमा उन्हें महादेव के क्रोध से बचा सकती है, किंतु हमारे क्रोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा। हमारे भक्त संतोषी के प्राण हमें सौंप दो, अन्यथा अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर रहो। चार महीने बाद ही नेशनल गेम्स है ना? हाँ हाँ। मैं आपके अखाड़े के पहलवानों के लिए ये फॉर्म्स लाया। बड़ो दीदी, हम भी आपके साथ दौड़ लगाएंगे। चलो ना। राष्ट्रीय खेल के फॉर्म है राणा लाखा के नाम से। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत मारे को ये है मलती कि मैं लाखा के चोट को लेकर के घना परेशान से हूँ। बाबू जी, हमारी चोट को लेकर इतने परेशान क्यों से? आखिर ऐसी कौन सी दुविधा से होने? ये साड़ी और ये जलेबी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? विभू ने ला के दी है मुझे ये साड़ी। हमारा मतलब ये है भाभी जी कि हूबहू यही साड़ी मंदिर में भिखारी को दान में देकर आ रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि विभू ने उस भिखारी से ये साड़ी और जलेबी मुझे छीन के दिए? जी भभूति जी, ऐसा कर सकते हैं जी। आज हम इस भिखारी को ऐसी डिश खिलाएंगे जो दुनिया में शायद ही किसी ने बनाई होगी। फिर हम भाभी जी के घर जाकर चेक करेंगे। ये तथाकथित भिखारी भाभी जी को ये डिश जरूर। शिष्टि जी,
लाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं भीष्म जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है। श्रीष्टि जी, बहुत अच्छे, बस यह देखना बाकी रह गया था हमारा बेटा जो है साइड पर से थका हारा आता है और तुम उससे घर का काम करवा रही हो। बहुरिया, ये तुम्हारे लिए, लाओ। हम कंगन आशीर्वाद में नहीं ले सकते। इस बैग को अपने कमरे की अलमारी में रख दीजिए, हम आपके लिए शरबत लेकर आते हैं। और हाँ, अलमारी को लॉक करना मत भूलिएगा। ठीक है श्रीष्टि जी। अच्छा, पैसा रखा जा रहा है, जो सोचो दुल्हन। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम लोगों ने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ, फिर क्यों मेरे पीछे? दीदी, दरवाजे पर कोई है? ये दीदी के कमरे से कैसी आवाजें आ रही है? ये तो यहाँ। पहले आप बताओ, आप इतना हाफ क्यों रही हैं?